में कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी ने यौम हक़ ख़ुदिरादीद की मुनासिबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मेंबरान का कहना था कि बरतानी में बसने वाले कश्मीरी हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर कॉज के लिए काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। आबिद कासमी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम में कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी ने यौम हक़ ख़ुदिरादीद की मुनासिबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया, जिसमें कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। मेंबरान का कहना था कि हम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भरपूर तायद करते हैं कि कश्मीर का मसला हल न होने से साउथ एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानिया में मौजूद कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में हालिया इकदामात अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और शिमला मुहिदे की सख्त खिलाफ वर्जी है। आलमी बरदारी को भारतीय वज़ीर आज़म के इकदामात का नोटिस लेना चाहिए। कमेटी के अरकान का मजीद कहना था कि कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी यौम हक़ ख़ुदिरादीद के मौके पर अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करती है कि वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालम को बंद करवाएं और हुकूमत पाकिस्तान भी मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी कश्मीर पॉलिसी को नए सिरे से तरतीब दे। कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी बरतानिया की तमाम सियासी और मजहबी जमातों का एक प्लेटफार्म है जो पिछले 3 दहियों से आलमी सतह पर तारीख़ आज़ादी कश्मीर की एक तवाना आवाज़ है। इस प्लेटफार्म से हमेशा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए आवाज़ बुलंद की गई है। 26 जनवरी के दिन इंडियन कौंसलेट बर्मिंघम, इंडियन हाई कमीशन लंदन हो या यूरोप बार के जितने भी सफारतखाने हो, उन के बार एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और 5 फरवरी को मसाजिद के बाहर खड़े होकर कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी के प्लेटफार्म से मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा और साथ साथ जो भी कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम करेगी राबता कमेटी उसमें भरपूर शरीक भी होगी और उसको भरपूर सपोर्ट भी करेगी। और ये हम कहना चाहते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में कमिट कर रही है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। शुक्रगुजार हूँ जनाब कुल जमाती राबता कमेटी के सदर जनाब चौहान शनवास साहब का, जिन्होंने आज तमाम दोस्त अहबाब कुल जमात मुख्तलिफ जमात के दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तमाम दोस्त अहबाब को दावत दी। मैं ये समझता हूँ जो RRS के गुंडे हैं, जिस तरह आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे नौजवान हैं 20 साल के, 18 साल के, 19 साल के, उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। हम आज के हवाले से अक़वामे मुत्तहिदा से यही मुतालबा करते हैं कि आपने जो कश्मीरियों के हक़ के खुरादियत के बारे में करारदाद मंजूर की थी उसकी पासदारी करें और कश्मीरियों को उस करारदाद पर जो है ना अमल दरामद कराएं और उनको उनका हक़ दिलाएं। 70 साल गुजरने के बावजूद आज तक UNO और अक़वामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो कश्मीरियों का उनका पैदाइशी हक दिलाने में नाकाम रहे हैं। हम UNO को, अक़वामे मुत्तहिदा को और तमाम महज़्ज़ब दुनिया को, हम सिविल सोसाइटी को ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया है उसके हक के लिए आप आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त लोग अगर शहादत दे रहे हैं वो वही लोग हैं शहादत दे रहे हैं जो पाकिस्तान के नाम लेकर लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, जो भी तरीके हैं हमारे पास, जो हिंदुस्तान ने छोड़ा है वैसे उन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, मगर जो भी हम कोशिश करते हैं इट इज़ फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड इन द नेम ऑफ इस्लाम। वही चीज़ जो सैयद अली शाह गिलानी शहीद ने सिखाया हमें कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम की ताल्लुक से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस मौके पर तमाम जमातों के नुमाइंदों का कहना था कि हम अपनी जमाती वाबस्तगियों से बालातर होकर 1986 से कश्मीर काज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारा बाहमी इतिहाद ही हमारी कामयाबी का जामन है। उनका कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। काउंसिल जनरल ऑफ बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद ने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हमारे मुल्क का रोशन चेहरा है, वो अपनी मुस्बत सरगर्मियों से पाकिस्तान के शानदार पहलू उजागर कर सकते हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को सियासी, सहाफती और दीगर बरतानवी शोबों का हिस्सा बनाएं ताकि वो हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। गुज़श्ता रोज़ 92 न्यूज़ बर्मिंघम के नुमाइंदे आबिद काजमी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बर्मिंघम का तो ये कहना चाहिए कि ये एक यूँ महसूस होता है जैसे मेरा दूसरा घर हो,
जितनी बड़ी तादाद में यहाँ अपने पाकिस्तानी नेशनल्स को और वो ब्रिटिश नेशनल जिन जो पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ आके सेटल हो गए हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो यूँ महसूस होता है कि आप एक छोटे से पाकिस्तान में मौजूद हैं। बुनियादी मकसद काउंसलेट का जो है वो जो वहाँ पे मुकीम हमारे पाकिस्तानी नेशनल किसी दूसरे मुल्क में यहाँ पे काउंसलेट है वहाँ पे उनको सर्विसेज फराहम करना है जो जिनको हम काउंसलर सर्विसेज कहते हैं, जैसे वीज़ा है, पासपोर्ट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है और दीगर दस्तावेज़ात की टेस्टेशन वेरिफिकेशन। इसके अलावा अगर हमारा कोई सिटीज़न है किसी मसले का शिकार हो जाता है तो उसकी मदद करना, हमारा एक मैकेनिज्म मौजूद है जी। और बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। शिकायत की बुनियादी वजह यही होती थी कि जी वो वक्त नहीं मिलना, लोगों को बहुत देर लग जाती थी क्यूज़ में लगने से। अपॉइंटमेंट सिस्टम अब आप देखिए ऑनलाइन हो चुका है, वीज़ा ऑनलाइन है, अभी पावर ऑफ अटर्नी भी ऑनलाइन हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत आसान हो गई हैं, तो उस वजह से शिकायत की मकदार भी कम हो गई है। डेली बेसिस पे तो यहाँ आपको देखा लोग आते हैं, हमारा मकसद पहला तो यह है कि उनको अच्छी से अच्छी खिदमात फराहम की जाएँ, उन्हें यहाँ आके अच्छा महसूस हो, वो अच्छा फील करें यहाँ आके, तो उससे एक बड़ा अच्छा लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरा जो है वो हम लोग वक्तन फवक्तन यहाँ पे तकरीबात मुनक्किद करते हैं, हमारी कम्युनिटी करती है, वहाँ आना जाना होता है, वहाँ से भी हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है। कोविड की वजह से हम इतनी तकरीबात उस तवातुर से नहीं होस्ट कर सके, ना ही कम्युनिटी में मैंने देखा कुछ ज़्यादा हो सका, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब रिस्ट्रिक्शंस मज़ीद ईज़ होंगी और ये जो नई वेव आई है ये कम हो जाएगी तो हम आप देखेंगे कि हमारा कम्युनिटी के साथ लिंक जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा जी। अच्छा, हमारे देखने सुनने वालों के लिए आपका क्या मैसेज है और जो नौजवान यहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जी मैसेज अब देखिए वो तो सभी लोग देते हैं, मेरा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो लेकिन जितना वक्त हुआ उस दौरान जो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी को थोड़ा बहुत समझा है या समझने की कोशिश की है उसको जहन में रखते हुए मेरा तो एक ही है कि यहाँ के आप सब लोग पाकिस्तान के सफारती नुमाइंदे हैं। एक मेरा तो एक ऑफिशियल कैपेसिटी है, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप जो पाकिस्तान का इमेज क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में जो तासुर यहाँ उभार सकते हैं वो शायद मैं अपनी सरकारी हैसियत में उस अच्छे तरीके से ना कर सकूं। तो इसको बस ज़हन में रखिए कि आप यहाँ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप करेंगे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए बरवक्त इकदामात न उठाने पर वजीर आजम बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ने लगा। वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर मार्क ड्रैक फोर्ड का कहना है वजीर आजम बरतानवी शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए मुनासिब इकदाम उठाने में नाकाम हो गए। बरतानिया वाहिद मुल्क है जिसने अपने शहरियों के तहफ़ के लिए किसी कस्म के इकदाम नहीं किए। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। برطانیہ میں ہر روز کرونا کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ، یومیہ بنیادوں پر لاکھ سے زائد افراد کرونا کا شکار ہونے لگے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ اٹھانے پر وزیر اعظم بورس جانسن پر تنقید اور دباؤ دونوں بڑھنے لگے۔ ویلز کے فرسٹ منسٹر مارک ڈریک فورڈ نے وزیر اعظم بورس جانسن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت برطانیہ واحد ملک ہے جس نے ابھی تک اپنے شہریوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے۔ فرسٹ منسٹر نے اعلان کیا کہ ویلز میں کرونا کے خلاف اقدامات میں کسی قسم کی نہیں کی جائے گی۔ جب کرونا آیا تو برطانیہ اس وقت اقدامات کرنے والوں میں پیش پیش تھا، لیکن اس وقت برطانوی حکومت اقدامات نہیں کر رہی جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ویلز کے فرسٹ منسٹر کا کہنا تھا کہ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈز میں تمام علاقے سخت اقدامات کر رہے ہیں، لیکن برطانوی حکومت ابھی تک صورتحال سے لا تعلق دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب تنقید اور دباؤ کے باوجود وزیر اعظم بورس جانسن کرونا کے حوالے سے سخت پابندیاں لگانے کے حق میں دکھائی نہیں دیتے۔ کرسمس، نیو ایئر اور دیگر سماجی تقریبات کے دوران کرونا کے
केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पाबंदियां लगाने से गुरेज किया। उनका कहना था कि बरतानिया बगैर सख्त पाबंदियों के ओमिक्रॉन वेरियंट से निमट सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में दाखिल 40% मरीजों को इस वक्त कोरोना का इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है, जबकि अस्पतालों को स्टाफ की कमी का मसला और भी संगीन हो गया है, जिसके बाद लंदन के कई अस्पतालों में फौज तैनात की जा चुकी है, जहां फौजी अहलकार स्टाफ की मदद में मसरूफ हैं। दूसरी जानब शहरियों ने हुकूमत से घरों में आइसोलेशन कवानीन में नरमी की अपील की है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी सफारतखाना बर्लिन में योम जम्मू कश्मीर हक खुद इरादियत के हवाले से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिससे वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ज़मीनी तनाज़ा नहीं बल्कि रियासत के लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। मोदी हुकूमत के मजालिम कश्मीरियों के बाद भारत की दीगर अकलियतों तक फैल चुके हैं। वेबिनार का मजीद अहवाल असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। दुनिया भर में कश्मीरियों के यौम हक के खुद इरादियत का चर्चा। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक के लिए यक जुबान हो गए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम यौम हक के खुद इरादियत कश्मीर की मुनासबत से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसे वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने खसूसी खिताब किया। तकरीब के मेज़बान पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल थे, जबकि दीगर शुरका में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक, लॉर्ड वाजिद खान और पाकिस्तानी और कश्मीरी की नुमाया शख्सियात शामिल थीं। तकरीब से खिताब इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप द ग्रेट आइडिया दैट वी वांट टू डेवलप द एंड चेंज द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल ऑफ दिस इज एक्चुअली गेटिंग डिफीटेड बाय दिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तकरीब के मेजबान सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों को अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक के खुद इरादियत दिलवाने तक भरपूर हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान स्टैंड्स बाय द प्रॉमिस मेड 73 इयर्स अगो। The Indian side has backed out of it and are thinking of excuses of how not to deliver on the promise they made to the Kashmiri people at that time. We urge the United Nations to implement its decision and its commitment to the people of Jammu and Kashmir. Pakistan will continue to stand with the people of Jammu and Kashmir. वेबिनार से खिताब करते हुए दीगर शख्सियात का कहना था कि अक्वामे आलम भारत को अपने जुल्म बर्बरिया से रोकने और कश्मीरियों को इनकी मर्जी के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। India was also affected like the rest of the world, but even then they didn't learn from it and they took extra mileage or extra advantage of this focus diversion of focus of the world and they started settling more and more Indians there, committing more and more castle operations over there and killing people, numerous arrests. Shurka ne maqbooza wadi mein bharatiya barbariyat ki muzammat karte hue aalmi biradari se fauri kirdaar ada karne ki appeal ki. Askar Mirza, 92 News, Germany. मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने मादर वतन में आसान सरमाकारी के लिए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया। प्रॉपर्टी एक्सपो में यूएई में पाकिस्तानियों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुस्तकबल में पाकिस्तान में सरमाकारी करने के अज़्म का इजहार किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की पाबंदियां नरम होते ही पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुलने लगे, मोईशत पटरी पर आने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बगैर किसी खौफ के प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राहें भी खुलना शुरू हो गईं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में दो रोजा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफारती अमले समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शो के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ दुबई कौंसलेट हसन अफजल खान थे, जिन्होंने एक्सपो का बाकायदा इफ्तिताह किया। एक्सपो के ऑर्गेनाइजर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां मुनीर हांस को शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने और जायदाद खरीदने के हवाले से आगाह किया। हम ये पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में लेकर आए हैं एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों से जो डेवलपर हैं और ऐसे प्रोजेक्ट के जिसमें फ्लैट्स भी हैं, विलाज भी हैं, प्लॉट भी हैं और हर तरह के जो और मरी के इवन प्रोजेक्ट हैं, ताकि टूरिज़म को भी प्रमोट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, हर शख्स को, एक मजदूर शख्स को लेकर और अहम तरीन लोगों तक घर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने तीन मरला से लेकर और स्टूडियो फ्लैट से लेकर हर तरह के प्रोजेक्ट हैं। प्रॉपर्टी शो के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल दुबई कौंसलेट हसन अफजल खान का कहना था कि पाकिस्तान नुमाइश का यूएई में मुनक़िद होना बहुत ही खुश आइंद बात है। यहाँ बहुत बड़ी कम्यूनिटी है जो पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने एक बहुत ही
ही अच्छा इवेंट का इधर इनेकाद किया, जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी एजेंसीज कंपनीज़ की तरफ से इधर ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस डिस्प्ले की गई हैं। ये बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से ये तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है, और ओवरसीज़ कम्युनिटी हमेशा से एक बहुत बड़ा एसेट रही है इसी नज़रिए से कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती। प्रॉपर्टी शो के ऑर्गेनाइज़र मियां मुनीर खान, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी और शुरका का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही चाहिए कि वो दियार गैर में इतनी मेहनत करते हैं तो मादरे वतन में भी उनका घर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद है आजकल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ से पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ परचेज करेंगे और ज़र मुबादला की सूरत पर हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ से परचेज़ करें वो सारी चीज़ें मेक श्योर करें कि उस प्रोजेक्ट की एनओसीज, उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि डेवलपर्स आए हैं और प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पे मार्केट करने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है और लोगों का जो बाहर कम्युनिटी पाकिस्तानी बैठी हुई है उसका रुझान पाकिस्तान की तरफ जो है बाइंग का आए, परचेजिंग का आए, ताकि अपने मुल्क के अंदर जो है ना इसका ज़र मुबादला जितना भी आता है उसका बेनिफिट हो, और जो है कि अपने मुल्क के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करें। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी उनके खदशात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये माहौल साजगार है। एक्सपो में मोहम्मद अशरफ खान, राजा सरफराज, जमील इसहाक, सीनियर सहाफ़ी सज्जाद अकबर खान समेत दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। बेल्जियम की 19 साल ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया की कमसिन पायलट होने का एजाज़ रखती हैं, जो छोटे जहाज के जरिए सोलो फ्लाइट करते हुए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की मुहिम पर है। ज़ारा दुनिया के 57 ममालिक का विजिट करेगी। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने ज़ारा का इस्तकबाल किया। बेल्जियम की कम उम्र तरीन खातून पायलट सोलो फ्लाइट के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की मुहिम पर हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर उनका भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया गया। ज़ारा ने बेल्जियम से 18 अगस्त 2021 को अपने सफर का आगाज किया था, और उनके सफर का अख्ताम भी 13 जनवरी 2022 को वापस बेल्जियम पहुँच कर होगा। वो 51,000 किलोमीटर का सफर तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब हो जाएंगी। सऊदी अरब के मशरूकी तुर्की के शहर इस्तांबुल में मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ओरिया मकबूल जान के एजाज़ में डॉक्टर खावर नदीम ने टी पार्टी का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में कश्मीर के हवाले से भी बातचीत की गई और सवालों जवाब की नशस्त हुई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ओरिया मकबूल जान के एजाज में डॉक्टर खावर नदीम ने टी पार्टी का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत स्टूडेंट की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में कश्मीर के हवाले से भी बातचीत की गई। ओरिया मकबूल जान ने लोगों के सवालात के जवाब भी दिए। 92 न्यूज की टीम की तरफ से तुर्की में होने वाले अगवा बराए तावान और लोगों के रिहायशी कार्ड मुस्तरद होने पर सवालात किए गए, जिस पर ओरिया मकबूल जान का कहना था कि मैं इन चीजों से ला इल्म हूं और मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान जाकर आला हुकाम से भी बात करूं, बल्कि चैनल पर भी आपको लाइव लेकर यहां के मसाइल के बारे में हम एक आगाही मुहिम चलाएंगे ताकि जल्द अज जल्द तुर्की में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल हो सके और वो बाइज्जत तरीके से अपना कारोबार कर सके। और दफ्तर खारजा जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सामने ऐसे जैसे शहनशाह बनी होती है और उनका रवैया भी वही शहनशाहों वाला होता है, तो इस रवैये को तब्दील होने की बहुत ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह नज़दीक जाकर प्रोग्राम में बात भी करूँगा, खुद चाहूँगा उसको इस हिसाब से भी बात करूँगा। डॉक्टर खावर नदीम का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कम्युनिटी की तादाद लाखों में है और अक्सर उनके घरों में अगवा बराए तावान समेत मेडिकल के भी काफी इशू होते हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन मैं भी इनकी किसी हद तक मदद कर सकता हूं। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे कोई ठोस इकदाम करें जिससे ये मामलात हल हो सके। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं आज इस मीटिंग में था, अगर यहाँ ना होता तो एक घर में एक बताया गया कि वो 3 दिन से दोबारे कमरे में पड़ा हुआ है और उसकी कोई बात कोई नहीं कर रहा, तो अभी मुझे शायद उसके पास जाना पड़े। तो ये इस तरह के जो वाक़ थे वो बहुत ज़्यादा हैं, ज़ुबान का उनको पता नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम ही नहीं सिर्फ, और इलीगल होने की वजह से वो इजीली मूव नहीं करते,
किसी मेरे हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल बाहर आकर फिर फ़ोन करते हैं कि जी हम हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े हैं, क्या हम अंदर आ जाएं। डर की एक और वजह भी है कि ये पाकिस्तान से जो आए हुए बच्चे हैं इनमें से अक्सर देहातों के और अनपढ़, मैं 50 बच्चों को तारीख बताए पूछूँ तो 35 को नहीं पता होता। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा फाहद का कहना था कि यहाँ पर जो रिहायशी कार्ड का इशू है ये काफी शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई हल निकालें। यहाँ पे जो किडनैपिंग का इशू है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के काफी लोग किडनैप हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उसको हाईलाइट किया है और कहा है कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तुर्क गवर्नमेंट मिलके कोई इस चीज पे इनिशिएटिव ले। तकरीब में मौजूद शुरका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान तुर्की ब्रादर मुल्क है, कम्युनिटी को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए इकदामात किए जाएं। कनाडा के सूबे टोरंटो में घरों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। टोरंटो रीजनल रियल स्टेट बोर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल 2021 में MLS सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड 121,712 घर फरोख्त किए गए, जो 2020 के मुकाबले में 28% ज़्यादा है। टोरंटो शहर के 416 एरिया कोड में मकानात की मजमू फरोख्त में 36.8% इजाफा हुआ, जो कंडोज की मांग की वजह से हुआ, जबकि ग्रेटर टोरंटो एरिया के मजाफात में मकानात की फरोख्त में 23.6% इजाफा हुआ। TRREB के सदर केविन क्रेगर का कहना है कि कोरोना से मुतासर होने के बावजूद 2021 में मकानात की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। शुमारियात कनाडा के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर होने के बावजूद कनाडा में गुज़श्ता साल माह दिसंबर में 55,000 नई जॉब्स शामिल की गई हैं, ताहम अभी भी बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। शुमारियात कनाडा के मुताबिक दो सूबों ओंटारियो और सासकाचुआन में भी मुलाजमतों में इजाफा हुआ। डेटा एजेंसी के लेबर फोर्स के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता महीने के दौरान 1,23,000 कैनेडियन कुल वक्ती मुलाजमतों और 68,000 पार्ट टाइम मुलाजिम थे। अभी भी लोग जॉब्स की तलाश में हैं। स्पेन का एक खूबसूरत तारुफ इसके रंगारंग और मुनफरद त्यौहार हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह स्पेन का रुख करते हैं। नए साल के आगाज़ पर मनाया जाने वाला जादुई बादशाहों का त्यौहार